हमारे साथ मारूफ कानूनदान मोहतरम शहीद बाबर साहब मौजूद हैं। उन्होंने आफिया कुक मार्च अटेंड किया, तो मैं उसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज उन्होंने ये सारा इवेंट देखा है, आफिया के बैटर को भी समझा है, पहले से भी समझते हैं, इस हवाले से वो अपने ख्याल का इजहार फरमाएँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी इस काविश को अप्रीशिएट करता हूँ। आफिया मूवमेंट के हवाले से आज आपने शिमला पहाड़ी में आकर अमेरिकन एम्बेसी को एक इस हवाले से गवर्नमेंट जो सारे साल से सोई हुई है, ऐसे वो सेंसिटिव मामले पे कोई उन्होंने एक्शन नहीं दिया, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी और अमेरिकन अथॉरिटी भी इस पर गौर से रहेंगे। बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट UNO के मैक्सिमम, और सबसे बढ़ के जो लॉ नेचर के हवाले उस पर जरूर वो कंसिडर करेंगे कि जो राइट्स हैं मिलने चाहिए। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आफिया मूवमेंट पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी सारा साल से इस जुदोजहद को आप किस नज़र से देखते हैं? तो जदोजहद जब भी जो पाकिस्तान में अक्टूबर से इसके साथ एक तो कुर्बानी का खतरा बनाया गया है इंटरनेशनल पावर्स ने और फोरम्स ने, और तो उसके हकूक के लिए बोलना जुरत भी चाहिए थी। और एक लंबा एक अरसा है 16-17 साल के बढ़ी, तो मैं फिर कहूँगा कि काफ़ी साइज है, काफ़ी कोशिश है, दुआएँ कहना चाहता काफ़ी है, खुशियों कबूल फरमाए जो है एक काफ़ी पाकिस्तान की बेटी है, अच्छा फिर बाबर साहब, आप आफिया मूवमेंट और पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के पूरे पाकिस्तान में वर्कर की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना पसंद? ये कि कोशिश को मानत ईमानदारी के दार जो कायदे अजम के कौल हैं ना, तीन सदाकत अमानत और जुदतमंदी के साथ जारी रखें अपनी कोशिशें, और जो भी टाइम टू टाइम जो भी टारगेट्स मिलते हैं इंसानी हकूक के हवाले से अल्लाह ताला की मेहरबानी से ज़रूर वो पूरे होंगे। और जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम फहीम बाबर एडवोकेट हाई कोर्ट के मारूफ वकला में से हैं, और इंसानी हकूक के ऊपर उनकी बड़ी काविशें हैं। पाकिस्तान के अंदर एक रियल डेमोक्रेसी के हवाले से भी उनका एक मेजर रोल मौजूद है, तो उनका ये जो पैगाम है आफिया मूवमेंट के वर्कर्स के लिए और पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स के लिए, इससे इंशाल्लाह एक हौसला और उम्मीद पैदा होगी, और मैं तवक्कुल रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो इस काज के लिए पासवान और आफिया मूवमेंट का भरपूर साथ देगी। यही दुआ है कि जनाब अल्लाह ताला कामयाबी का फरमाए आपको, और खसूसन काफ़ी समृद्धि के मामले में जो आपकी कोशिश ऐसे दिल मंजूर फरमाए, उससे बुनियादी हकूक भी मिले और राज के लिए हम भी दुआ हुए हैं कि आपकी कोशिशें कभी चली गई। बहुत शुक्रिया, मैं फहीम बाबर साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमारा साथ दिया, हमारी आवाज़।